जल्दी कर। सॉरी बस अपन ने देखा नहीं। ए, हे, पागल हो गया क्या? अरे 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 फिर कहाँ जा रहा है? अरे लिली वापस नहीं आएगी, भूल जाओ उसको। अबे अकेले किधर भटकेगा? ए कहाँ जा रहा है? ए बॉबी, अगर ये ऐसा ही रहा ना तो हम सबको पागल कर देगा। वो किसी की सुनेगा तब ना? बहुत ट्राई किया, कुछ नहीं होता। लिली मेरी बात ध्यान से सुनो, फोन मत रखना प्लीज। लिली सुन रही हो तुम? तुम जहाँ भी हो मैं अभी के अभी वहाँ आ जाऊंगा। लिली तुम बताओ मैं अभी के अभी वहाँ आ जाऊंगा। क्या किससे बात कर रहा है? लिली मेरी आवाज आ रही है? लिली हेलो, किससे बात कर रही है? लिली सुन रही हो तुम? ए बेटा रे चल बैठ, गाड़ी में चल, बैठ गया ना, जाने दो, चल चल चल। उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था, उसका जाना मेरे वजूद की मौत। अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश बन के रह गया हूं, सांस लेती जिंदा लाश। आखिर ये सब क्या नॉनसेंस चल रहा है? स्टूडेंट्स का हक छीनकर उनका गला घोटने वाली बेईमान सरकार! पिछली बार आपने कहा था एजुकेशन फ्री होगी, पर दिन ब दिन आप फीस बढ़ाते ही जा रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! लैब फी, कैंटीन फी, लाइब्रेरी फी, ये सब फी तो हम वैसे ही भरते रहते हैं। आपकी ये सरकारी कुर्सी हमारी बेहतरी के लिए है, ना कि सरकार की तिजोरियां भरने के लिए। एक्स्ट्रा फीस तो हम वैसे ही भरते हैं। मेहनत करके हम पढ़ाई करें या पढ़ाई करके हम सरकार के आगे भीख मांगे, नहीं आएंगे।
तुम्हें लगता है ये सब मेरे हाथ में? पर बदलाव की शुरुआत तो आप कर सकते हैं ना सर। आप वादा कीजिए कि न्याय होगा और हम सब यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम अन्याय नहीं सहेंगे। पुलिस को कॉल करो जल्दी। नहीं सहेंगे। हम अन्याय नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे। हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अनीता ने सुसाइड अटेम्प्ट फीस प्रॉब्लम की वजह से नहीं किया था, उसका कोई फैमिली इश्यू है। फैमिली प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती है क्या? ए बॉबी, अनीता को कुछ मत कहना। ए अरे यार छोड़ ना यार, प्लीज मेरी बात सुन। बात बहुत आगे बढ़ गई, मैं छोड़ नहीं सकता। यार तू पागल हो गया क्या? ये रघु जो कह रहा है सही कह रहा है। पिछले चार दिन से यूनिवर्सिटी में लगातार स्ट्राइक हो रही है। नोटिस बोर्ड पे 200 स्टूडेंट्स के नाम है जिनको रेस्ट्रिकेट किया जाएगा, उनमें तुम्हारा नाम भी शामिल है। तुमने सुसाइड अटेम्प्ट किया तो मुझे लगा तुम भी फीस नहीं दे पा रही हो। क्या आज है तुम्हारी? हाँ शर्म होती है तुम्हें? चल अपनी वो चेन निकाल। अरे क्या कर रहे हैं बॉबी? तो छोड़ रहे, चेन निकाल तू। अरे काय को मामला बढ़ा रहा है यार? अरे बस कर यार, क्यों कर रहा है ये सब? अरे छोड़ ना यार, रुक ना एक मिनट यार। बॉबी तुम यहाँ आराम से बैठ के फल खा रही हो, सैलाइन ले रही हो? बात पहले ही बढ़ चुकी है यार, और मत बढ़ा। तू एक बार बोलेगा सब चले जाएंगे। हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है। हवलदार साहब, आपको जो कुछ भी बात करनी है मुझसे कीजिए। ए भाऊ तू लीडर है क्या? तो ऊपर कैंडा दे रहा है, नीचे आ और भगा इन लोगों को। अरे ये तेरा बाप का शादी है क्या? ढोल बजा रहा है, पूरा कान चबा गया। सर आप डायलॉग स्टार्ट करो। लेकिन अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुरंत फैसला नहीं ले सकता। प्रिंसिपल साहब, अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो आपका मैनेजमेंट तब क्या करता? क्या तब भी कोई इमीडिएट एक्शन नहीं होता? हवलदार साहब कम से कम आप तो हम स्टूडेंट्स की तकलीफ समझिए। अरे मेरे को बीच में काय को खजूर रहा है? देखिए ये हॉस्पिटल है सर, पेशेंटों को तकलीफ होता है, जो करने का जल्दी करो। मुझे एक हफ्ते का टाइम चाहिए, मैं वीसी से बात करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ये सुना क्या? हफ्ता लगेगा, अभी रैली बंद कर। जिस हिम्मत से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी ना, उसी हिम्मत से तुम अपना हक भी छीनना सीख लेती। स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट यूनियन। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। कभी कभी जो हमें चाहिए उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। कॉमरेड सूर्यम, मेरे दादाजी, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों को जीना सिखाया। वही मेरे सच्चे गुरु हैं। सब ठीक है। इसी स्टूडेंट सर्कल के भवन से अपने हक की आवाज उठाने का सिलसिला शुरू हुआ। स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो हमारी प्रॉब्लम हो जाती। हम आवाज उठाते इसलिए लोग मुझे कॉमरेड बुलाने लगे। जैसे वो स्टूडेंट्स के लिए फाइट करता है, अगर वैसे ही वो हमारे लिए फाइट करे तो हम सब की सैलरी बढ़ सकती है। चल चल चल, लेक्चर शुरू हो गया। आज हम पढ़ेंगे न्यूरोसाइंस। क्या यार, बाय बॉबी, संभल के जाओ। व्हाई शुड वी प्लांट ट्रीज पापा? आपकी सब ठीक है ना? आंटी सब सही है? ये लीजिए, एक काम कर, तू उस साइड जाकर देख, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। बाकी लोग भी है यहाँ पर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। चेतन भाई इसे काम पे लगा दो। पैसा बोल जा। पर पैसा कितना हुआ? 200 रुपया। सारी क्लियर रखने का? जी सर। बॉबी तुम कुछ करने से पहले सोचते क्यों नहीं? पूरा कैंपस सर पे उठा लेते हो। सर कॉलेज में अगर कोई पॉलिटिक्स करे तो प्लीज आप उसे रोकिए, वरना हमें रोकना पड़ेगा। देख रहे हो, यही प्रॉब्लम है इसे, तुम्हारा एग्रेशन। इसे छोड़कर बाकी सब तुम्हें ठीक है। थैंक यू सर। शाम को तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया था,
तुम भी बिल्कुल अपने दादा की तरह हो। मैंने अपने बचपन में उन्हें देखा है, वो सारी उम्र देश के हित में लड़ते रहे और उनकी वजह से हम कंगाल हो गए और अब सिर्फ ये घर रह गया। लोगों की भलाई के लिए लड़ना ठीक है, पर जब तुम ये लड़ाई हारोगे ना, तब तुम्हें यही बात सबसे ज्यादा खलेगी। यार वो विनय और उसके साथी पैसे लेकर पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हैं। संजू मुझे बता रहा था, सबको बता दो कि ये रात में कौन आ रहा है? ये तो अनीता है। अरे ये रो क्यों रही है? ए, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। अरे क्या हुआ, क्या बताएगी? अरे रोना बंद करो, बता क्या हुआ। सूर्या का भाई मुझे हर वक्त छेड़ता रहता है बॉबी, इसीलिए मैं मरना चाहती हूँ। हर वक्त मेरा पीछा करता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। और तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले वो सिर्फ प्रपोज किया करता था मुझे, और आज तो सबके सामने उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तंग आ चुकी हूँ मैं, अब तो कॉलेज जाते हुए भी मुझे बहुत डर लगता है। अरे बॉबी, 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 उसी की वजह से तो सुसाइड करना चाहती थी ना। 10 दिन तक हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी रही, उस दिन तुझे कुछ हो जाता तो पागल है क्या? ऐसे डरती रहेगी तो एक दिन मर जाएगी। बता कहां पर है वो? ए बॉबी, मैं उसको समझता हूं। वहां का सारा इंतजाम हो गया ना? अरे एक नंबर बॉस। देख बॉबी, तू बस शांति से खड़े रहना, मैं बात करता हूँ इसे, फालतू का मैटर नहीं चाहिए। ये देख झंडू लोग आ गए। ए मार्टिन, मेला घूमने आया क्या? हम लोग अनीता के बारे में बात करने आए हैं। हम लोगों की दुश्मनी आपस में है, और जब वो तुझे पसंद नहीं करती है तो उसके पीछे क्यों पड़ा है? अनीता सीधी लड़की है, बता रहा हूँ तुझे, उसे परेशान करना छोड़ दे। तेरी बहन लगती है, उसका बॉडीगार्ड है तू। चल निकल जाए यहाँ से। उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, पर करवा के जरूर रहूंगा, जब रखेल बनाऊंगा ना उसको। तेरी तो ए, हम यहाँ सिर्फ बात करने आए हैं। ए किशोर, देख तुझे समझाने आए हैं, हमें झगड़ा नहीं करना, ये जो हुआ उसके लिए सॉरी। ए चल चल, देख क्या रहा, लेके जा इसको। तेरे को एक बार बोला था ना हाथ नहीं उठाने का, फिर क्यों उठाया? लफड़ा बढ़ाना है? बिना हाथ उठाए बात नहीं हो सकती थी क्या? अब चलो घर पे, कितना भी बोलो समझते ही नहीं है। रघु पकड़ इसको, मार साले को। लड़की चलेगा? अरे क्या कर रहा है, छोड़। बॉबी चल 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 चल। बॉबी उधर है, अकेला लड़ रहा है। अरे छोड़ उसको, चल 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 चल। अरे चल ना। यार बॉबी, ए बॉबी बस कर यार, चल यहां से निकलते हैं, मेरी बात सुन रहा है? ए बॉबी चल चल यार। सर गलती हमारी नहीं, उनकी थी। ए घोंचो,
तो मुझे बताएगा किसकी गलती है? मैं सही कह रहा हूँ सर, वो कई दिनों से हमारे कॉलेज की एक लड़की को परेशान कर रहा था सर, वो लड़की सुसाइड करने वाली थी। अगर ये बात थी तो कानून अपने हाथ में क्यों लिया? तुम लोग पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते थे? जवानी का कुछ ज्यादा ही जोश चढ़ा है क्या? इस बार मैं तुम्हें सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ, दोबारा किया तो ऐसा डंडा डालूंगा कि जवानी का जोश ठंडा हो जाएगा, सारी जिंदगी कुछ करने लायक नहीं रहोगे। यूनियन के नाम पर गुंडागर्दी बंद कर दो। आप कंप्लेंट लिखिए सर। क्या बोल रहा है बे? कंप्लेंट लिखवाना है? कहाँ है वो लड़की? वो कोर्ट के चक्कर लगाएगी? गवाही देगी क्या? बुला उसे। जा बुला। हमने उन्हें क्यों मारा आप उन्हीं से पूछिए ना सर, वो लड़की तो यहाँ हरगिज नहीं आएगी और उन लोगों को आप कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए उनको सबक सिखाने का फैसला हमने ही कर लिया। बहुत जबान चल रही है। कौन है तू और कौन हो तुम लोग? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स तो क्या कर लोगे? इसलिए हम पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे थे, सारी गलती उनकी और आप हमें सुना रहे हो, उनसे फटती है क्या? जबान लड़ाता है। ऐसे हाथ क्यों लगा रहे हैं सर? लीगल प्रोसीजर के साथ चलिए ना। देख रहा है मुझे रूल सिखा रहा है, डाल सबको अंदर। ओके सर। अब तो खुश है, कहीं भी जाता है थोड़ी देर चुप नहीं रह सकता। अरे किसी से तो डर यार। ये मार्टिन, ये जरा, ये चले कल्टी। ओके सर। ये मार्टिन कौन है रे? वो छोकरा मंत्री के औलाद है क्या? सुबह से कुछ खाया नहीं है सर, और कल सवेरे कॉलेज भी जाना है। अरे तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं साहब से बात करता है ना। थैंक यू सर। तू खाली 10,000 का झोल कर, मैं तेरे को सुबह तक छुड़वा देगा। सर 10,000 में कहां से लाऊंगा? तो सड़ अंदर जेल में मजा आ रहा है ना। मैं बंदोबस्त करता हूँ, एक दो साल रेंट पे रह ले। मैं लाऊंगा सर। जल्दी इंतजाम कर। उसे ठिकाने जरूर लगाएंगे पर अभी नहीं, इलेक्शन सर पे है, मुझे कॉलेज में कोई पंगा नहीं चाहिए, ठीक है? वो सब मैं देख लूंगा, तुम जाओ। क्या जरूरत थी पुलिस वालों को पैसा देने की? जो होता देखा जाता ना। ए भाई पैसा नहीं देता तो अंदर ही सड़ते। वो तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर ने मामला ले देके सुलटा दिया। तुझे क्या है, अच्छी नींद आई होगी। हमने कुछ गलत नहीं किया है, पर अब जो करने जा रहे हैं वो गलत है। क्या? ये पनौती अचानक से कहां से आ गई? तुम्हारी आंखें हैं कि बटन है? देखकर नहीं चल सकती? अभी तक तो राम नाम सत्य हो जाता हमारा। अरे क्या सॉरी, तुम्हारे सॉरी का मलम बना के लगाऊं? छू मत। मेरे पास फर्स्ट एड किट है। तेरा फर्स्ट एड रख, तेरे पास पैसा निकाल। पैसे की क्या जरूरत है, मैं इसे क्लीन करके बैंडेड लगा देती हूँ। ए रहने देना। क्या डॉक्टर है तू? नहीं। तो इतनी नौटंकी क्यों कर रही है? पूरा भेजा हिल गया। मैं तो बस बस से उतरी थी और फिर उसके बाद। बस करना, भेजे में दिमाग नहीं है क्या? जो लोग बीच सड़क में फोन पे बात करते हैं उन्हें तो जेल में डाल देना चाहिए। सॉरी भैया। ये बॉबी भैया बोल रही है, अब अचार डालूं क्या तेरी सॉरी का? ए, क्या हुआ? अरे तुम लोग भी इसकी तरह अंधे हो गए क्या? एक्सीडेंट हो गया, दिख नहीं रहा है, रास्ता काट लिया इस बिल्ली ने। ए रुक रुक रुक, अबे हेडलाइट की पुंगी बच गई। क्या हेडलाइट गई? ए चल पैसे निकाल। एक्सक्यूज मी। अरे क्या एक्सक्यूज मी, इसका पैसा निकाल। एक सेकंड दे। बाइक कौन ठीक करेगा? हमारे घर पे कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा है। जल्दी निकाल, हमें लेट हो रहा है। सुन, तेरे पैसे कहीं नहीं जा रहे, शाम को आके बाकी के चिल्लर यहीं से ले जाना। इन चोर उचक्कों से तो भगवान ही बचाए। हाँ। अरे बॉबी इधर आ। हाँ, क्या हुआ आंटी? अरे इधर आएगा तब बताऊंगी ना। ऐसे आंख फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? लिली को भूल गया? याद नहीं इमली तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ता था, इसी के लिए तो भूल गया? दिमाग को जंग लग गया है क्या? बचपन में इसी से झगड़ा करके नाक में दम किया करता था। बेटा तुझे पता है आज सुबह जब लिली बस से उतरी तो किसी गधे के बच्चे ने इसे डरा धमका के इसके पैसे लूट लिए। ए बताना इसको क्या हुआ था, दही जमी है क्या मुँह में? अरे फुद्दू तू यहाँ का है? जो हो गया सो हो गया, अब क्या करें? मुझे क्या पता था तू जया की बहन है, और इसके बारे में किसी को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा, फिर से डराएगा मुझे? बड़ी अम्मा। हाँ। ए
बात का बवाल मत बना। जिसने मेरे पैसे छीने थे ना, उसने कहा था शाम को वहीं आकर पैसे वापस दे देगा। इसकी तो आज उसकी बोती बोती नोट लूंगा। मेरी बेटी के पैसे छीनता है। अंकल ये बात को आगे मत बढ़ाइए, बहुत ही छोटी सी बात है और मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, मैं निपट लूंगा। नहीं नहीं मुझे मत लोग, आज ये ज्वालामुखी फट के रहेगा। कहा ना मैं, नहीं मुझे दाना है। मैं भी आऊंगी। तुम्हें क्यों आना? उसे कौन पहचानेगा? क्या तुम उसे जानती हो? सही तो कह रही है, उसके बिना कैसे पहचानेगा? ले जाना उसे, उसे। यहाँ क्यों ले आए? ये तुम्हारा अड्डा है? अब ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? फालतू का यहाँ आना जरूरी था क्या? सॉरी नहीं बोलोगे क्या? मैं लड़कियों से सॉरी नहीं बोलता। लड़कियों से सॉरी नहीं बोलते? ऐसा क्यों? क्योंकि सॉरी बोलने का मतलब नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने तुमसे ले लिया, जब मेरे पास आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अच्छा अपने घर वालों से अब क्या कहोगे? कहना कि बॉबी उनसे मिला, उनको थप्पड़ मारे, उनको धमकी दी, वो लोग डर गए, उन्होंने पैसे वापस कर दिए, ठीक है ना? तेरे ही पैसे का है। ये क्यों? ऐसे ऐश कर। दीदी को लव लेटर भेजा, फिर मुझे धमकी दी और पैसे ले लिए। तू ही है ना वो बॉबी? ये तो अब गड़े मुर्दे उखाड़ने लग गई है। यस, दीदी को कॉलेज में लव लेटर भेजा था, उसने रिजेक्ट कर दिया था ना। पढ़ाई करने की उम्र में तुम ये सब करते फिर रहे थे? हाँ हा? क्या हुआ, शर्म आ रही है? तू इतना भी अच्छा नहीं है जितना सब सोचते हैं। बकवास खत्म हो गई तो चलें। बचपन से बहुत ही शर्मीला है, यहाँ तक कि मुझसे आंख मिलाकर ठीक से बात भी नहीं करता। अच्छा एक बात बता, उसने क्या कहा? वो नाराज तो नहीं हुआ ना? ज्यादा नाटक मत कर समझी। जो पूछ रही हूँ सीधे सीधे उसका जवाब दे। मैं बॉबी को यही बताना चाहती थी कि पढ़ाई की उम्र में अगर ये सब करते तो एग्जाम में ना बड़ा सा अंडा मिलता है। देख ज्यादा बकवास मत कर। ये क्या? एक काम ठीक से नहीं करता ये मार्टिन। अरे सूर्य भाई नमस्ते। आइए आइए बैठिए बैठिए ना भाई। ए भाई के लिए पालना। ए मैंने सुना है तूने उस दिन मेले में सूर्य के भाई को मारा। जो भी हो मुझे नहीं लगता आप वो चुपचाप बैठेगा, वो तब तक शांत रहेगा जब तक ये इलेक्शन खत्म नहीं हो जाता, फिर उसके बाद वो तेरी फिराक में जरूर आएगा। विनय बोल रहा था एक बार सूर्य से मिल ले। ये विनय कौन है? चक्री का भाई है ना? कौन है ये विनय? सुनो भाई, हम स्टूडेंट्स के लिए जब तक वो हमें सपोर्ट करता था तब तक वो हमारा भाई था, लेकिन जैसे ही वो हमें छोड़कर चला गया तो वो हमारा भाई कैसे रहा? इसलिए हमें तो मत ही समझाइए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, तो थोड़ा संभल के रहना। और आपको भी बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वो जो नया यूनियन बना रहा है उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। संभल के रहना भाई। हमारी टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, उसे हमारा बेटा ही संभालता है। ये तो अच्छी बात है। सब लेके आया ना? माँ चाबी देना। दादाजी है ना घर में? ए लड़के वाले आते ही होंगे, रुक जाना। हाँ आ रही हूँ। ए बॉबी, जया से जिसकी शादी होने वाली है ना, उसकी चिंदी की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। शादी के बाद जया भी चिंदी चोर ना बन जाए। चिंदी की नहीं, कपड़े की। हाँ हाँ जा अपना काम कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। आपको कौन सिखा सकता है, जाकर आए बैठ। आंटी मैंने अभी बहुत टेस्टी वड़ा है लिली ने बनाया है, चल बैठ। अब पानी भी नहीं है, मैं लेके आती हूँ। बॉबी कैसी लग रही हो? साक्षात लक्ष्मी लग रही है ना? अरे कहाँ हो भाग्यवान, लो मेहमान। आ गई क्या? मैं आती हूँ। आ गए चलो। नमस्ते। नमस्कार। नहीं तो मैं बैठ जाइए। आइए आइए बैठिए। घर काफी अच्छा है आपका। हाँ
सच में। ए बॉबी, लड़का कैसा दिखता है? ऊंट जैसा है। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? जया। मुद्दे गई है। जीजा जी हैंडसम है। अले आप लोग तो कुछ खाई नहीं ले। हाँ शर्माइए मत, खाइए। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए जी। बॉबी बॉबी बॉबी, दीदी के लिए अभी भी बात कर सकते हैं? क्या बोलते हो, देर नहीं हुई? जब से तू आई है तब से ओवर एक्टिंग ही कर रही है। भाग यहाँ से। छोटी, दादाजी के रूम में कैंडल लगा दे। ठीक है माँ। बॉबी, आंटी के यहाँ से इसे पिसवा के ले आ। मैं नहीं जा रहा, आप जाइए, मैं नहीं जा रहा। सुन, रमेश से मिलके मेन लाइन चेक करवा। जी। आप और आपकी ये इडली। चुपचाप जा। देख तू अब बहाने मत बना। हाँ, मेरे घर में पहली शादी और तू नाटक कर रही है। मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। चल अब फटाफट पैकिंग कर और सीधी आ जा इधर। ये क्या, कितनी देर कर दी? पीस के लाती हूँ, बैठ। पीस लीजिएगा तो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। क्यों, थोड़ी देर जया के साथ बैठ के बात करना, तब तक मैं ये दाल पीस के लाती हूँ। बॉबी, शादी की बात करने आए हो? बॉबी कैच। ए, क्या हुआ? तो है नहीं अब तक, मत्थल गिन लाया? नहीं अंकल, मुझे आपके पेट की चिंता हो रही थी। मिल ले पेट, तपती तो है, नजर लगा ला है। अरे बॉबी इधर आना, बैठ बैठ। ये सेफ काट देगा। डिनर हो गया? हाय बॉबी, कब आए? ए लिली, जानती है बचपन में ये हम सबको मेहंदी लगाया करता था। बॉबी तुझे याद है? ओ, मेहंदी लगानी भी आती है तुम्हें? लिली इसे कम मत समझना, ये बहुत टैलेंटेड है। लड़कियों को लेटर्स भी लिखता था। ओ ऐसा क्या? और इसके अलावा बहुत अच्छी कहानी भी लिखता है। तुम्हें सुनाता था क्या? सॉरी। ए बॉबी, कोई नई कहानी लिखी है क्या? अरे सुना ना, लिली को कहानियां पसंद है। प्लीज बॉबी, प्लीज। डियर कॉमरेड, चांद की चांदनी भी फीकी पड़ सकती है, खिलता हुआ फूल भी मुरझा सकता है, लेकिन हम दोनों की यह गहरी दोस्ती आखिरी सांस तक कभी नहीं मुरझाएगी। मौत तो बस एक बहाना है। जिंदगी को हमेशा आना और जाना है, चाहे हमारा बचपन कभी वापस ना लौटे, पर हमारा प्यार हमेशा रहेगा। अपना मुंह बंद कर। अच्छा लिखा था बॉबी तुमने। क्या था? बहुत दिल पे एक बहाना है, कबल में से निकला था क्या? अंकल इतना मत हंसिए, बेल्ट खुल गई तो लुंगी खिसक जाएगी। बॉबी रुको। बॉबी 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 बॉबी, कहानी बहुत अच्छी थी, सच कह रही हूँ। डियर कॉमरेड, चांद की चांदनी भी फीकी पड़ सकती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन अवार्ड जरूर मिलेगा। बाय। ये भाग भाग भाग। ए मार्टिन स्कोर क्या हुआ रे? 18 चाहिए 6 बॉल पे। आउट। शिट। क्या हुआ? मिडिल स्टंप उड़ गया।
ए तू ठीक है ना? कहाँ लगी? बॉल बहुत हार्ड है यार। तो फिर मैच तो खत्म हो गया ना? क्या मैच कैसे खत्म हुआ रे? हमारी लास्ट विकेट बची है ना? अरे ये तो इंजर्ड है। ये नहीं तो कोई और खेलेगा ना हमारी टीम से। ए बॉबी मैं लेफ्ट हैंड से खेलता हूँ ना। अबे राइट हैंड से खेल नहीं पाता है तो लेफ्ट हैंड से क्या खेलेगा तू? बॉबी खेलेगा ना? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खेलती हूँ ना। ये खेलेगी लिली? ये लड़कों का मैच है, हमने 5,000 की शर्त लगा रखी है। बॉबी मुझे खेलना आता है। लिली मैंने कहा ना नहीं, एक किविश को बाहर लेकर जा रहे। चल हम लोग बाद में बात करते। तुम्हें बताओ कौन बैटिंग करेगा? ए भाई लड़के को खिला चाहे लड़की को, अपने को फर्क नहीं पड़ता है। और जब लड़की बोल रही है तो खेलने देना। ये लड़की होके क्यों खेलेगी बे? पागल है? और तो और ये हमारी टीम में भी नहीं है। क्यों क्या हुआ? अपने से डर लग रहा है क्या? मेरा दिमाग मत छक्का अभी, नहीं तो क्या करेगा? अरे लिली तू नहीं जानती इन कुत्तों को, ये तेरा मजाक उड़ाएंगे और कुछ नहीं। मुझे खेलने तो दो, ट्रस्ट मी आई कैन हैंडल इट। ए लड़की खेलेगी? ए ज्यादा हंसी आ रही क्या? अभी जीत के दिखा। चल 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 चल, मैं भी जीत नहीं सकते क्या? मैच से बॉल लगे ना लगे तू सिंगल जरूर लेना, स्ट्राइक मत देना उसे। ओके बॉल को बस टच करना। ओके ठीक है। क्या यार अब लड़की को खिलाना पड़ रहा है। अरे मार कसम लिली ने सिक्स मार दिया यार। सिक्स, क्या बात है। गुड शॉट लिली, इसने सच में सिखाया यार, खेली लगती है। ये लो। थैंक यू। वेलकम। ठंडा। तुम्हारा मैच देखने तो बहुत लोग आए थे। तुम क्रिकेट खेलती हो? हाँ स्टेट प्लेयर। स्टेट प्लेयर? स्टेट प्लेयर? स्टेट प्लेयर? इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? हम तो गली में ही खेल के खुद को 30 मार खा समझते हैं। अब तुमने कहा कि तुम स्टेट प्लेयर हो तो हमको अपनी औकात समझ में आ गई। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे टीम की कैप्टन बन जाओ ना, तुम रहोगी तो जेब हमेशा भरी रहेगी। एक सेल्फी ले सकता हूँ क्या? हाँ? चलो 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 चलो, फोन देना। रेडी है बॉबी? आना आना। ठीक है चल मिलते हैं। चलो बाय। बाय लिली। बाय। ए यहाँ क्या कर रहा है? आजकल तेरी हरकतें अजीब हो गई हैं। चल अरे देख के चल, क्या कर रहा है? हाय लिली। हाय। आओ ना, चाय लोगी? हाँ थोड़ी सी। चाय बिस्किट का ना मजा ही अलग है। हाँ तुम्हारे अंकल को बहुत पसंद है, वो तो चाय में बिस्कुट भिगो कर खाते हैं। बॉबी मैंने सुना तुम गिटार बजाते हो। कहानियां गिटार क्या बात है? दिन अच्छा? भर प्रैक्टिस चलती रहती है। होती है? हाँ कभी कभी तो हम ग्राउंड पे ही सो जाते हैं।
माँ ने ये मिठाई दी है, चलता हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूं? छोटी माँ तुझे बुला रही है, जा। लिली ये क्या है कि रात को एक पार्टी है मैच जीतने की खुशी में, सब आएंगे, तू भी आ जा। आ गया है इलेक्शन, बेफिजूल इलेक्शन, जनता का फिर से बनेगा पोपट। इलेक्शन इलेक्शन आ गया है इलेक्शन, जनता का फिर से बनेगा पोपट। चोर पॉलिटिशियन खाए मलाई, जनता पे फिर से आप कॉम्रेड। इनसे मिलो, ये हमारे चक्री भैया हैं और ये डफली भैया। नमस्ते, नमस्ते। और भैया ये लिली है। तो फिर बजा ना। आ गया है इलेक्शन, इलेक्शन बोलो, जनता का फिर से बनेगा पोपट, जनता का फिर से बनेगा पोपट, जनता का फिर से बनेगा पोपट। अरे ये लोग मंडली में पहली बार आए हैं यार, तो कुछ तड़कता भड़कता सुनाओ यार, जिसे सुन के मन डिंगडोंग होने लगे। चिक 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 चुक डफली शुरू हो जा। मार्टिन के लिए मैं गाना बनाऊं, उसकी जो धुपे मैं सबको लगाऊं। लाचे 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 सारे कॉमरेड रे, यारों के हम यारे कॉमरेड रे, यारों के हम यारे कॉमरेड रे। ए बॉबी, विनय मिलने आया है, वो कह रहा है कि उसे कुछ बात करनी है। तू रुक जा, मैं जाके बात करता हूँ। अरे विनय तू इधर क्यों खड़ा है, अंदर आना। बॉबी किधर है, वो इलेक्शन रैली में क्यों नहीं आ रहे? अरे यार वो स्टूडेंट इशू नहीं था, और हम पॉलिटिक्स मैटर में ज्यादा पढ़ते नहीं है इसलिए। क्या रे, बॉबी कह रहा था वो हम लोगों को नहीं जानता, उसे क्या लगता है हम लोग अलीबाग से आए? बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहा है, चल जल्दी उसको बुला। बैठकर बात करते हैं। चुपचाप बॉबी को बुला। सुनो तो नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या रे, तेरा भाव बहुत बढ़ गया है। उस दिन जब तेरे को शराफत से बुलाया था तू आ नहीं सकता था, तू बुलाए तो हम कुत्ते की तरह आए। हाँ, अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझता है। हम लोग तेरी रैली में क्यों आए, हम तेरे गुलाम हैं क्या? हम लोग स्टूडेंट्स के लिए रैली करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। स्टूडेंट्स को अब तक जॉब नोटिफिकेशन भी नहीं मिला है, बेचारे हॉस्टल में मुंह छुपाए चुपचाप पड़े हुए हैं। हम स्टूडेंट्स तुम्हारी रैली में खुशी खुशी आ जाते हैं और उससे हमारा तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। और क्या स्ट्राइक 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 करते हो, उस दिन हमने बुलाया तुम लोग हमारे स्ट्राइक के लिए आए थे क्या? हाँ एक मिनट, हमने तुम्हें स्ट्राइक के लिए बुलाया तो तुमने हमसे पैसे मांगे थे कि नहीं? तुम लोगों पर हमारा भरोसा उड़ गया है, यहाँ आकर बकवास मत कर, जा अपना काम कर। औकात से बाहर बात मत कर, क्या समझता है खुद को? उस दिन सूर्या के भाई को क्यों मारा, वो स्टूडेंट मैटर था। उसके साथ जो कुछ हुआ वो खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उससे जाके पूछना। तू हटना, तेरा यहाँ पे क्या काम है, अंदर जाके बैठना। और हाँ, अनीता स्टूडेंट ही थी और वो स्टूडेंट मैटर था, इसलिए मैंने फोड़ा उसको। क्या मतलब, तू सूर्या के भाई को मारेगा? तू जानता है उसके पास कितना पावर है, कितना पैसा है? हम कुछ नहीं कर सकते उसके बिना। तो ये था इनका मैटर, फिर वो स्ट्राइक, वो चलो आजाद मैदान, ये सब नाटक है क्यों? तो सीधा सीधा बात करना, मैं कब तक स्टूडेंट बन के यहाँ पर चिल्लाता रहूंगा, पॉलिटिक्स में जाके वहीं पे सेटल हो जाऊंगा। नहीं, पॉलिटिक्स तुझे सूट करती है, तू वहीं पे जा, पॉलिटिक्स में जा तू, देखो फोन भी आते होंगे ना, जा तू उनके तल पे जा। बॉबी रुक, रुक जा, ए मत कर बॉबी, अरे लफड़ा मत कर बॉबी, अरे रुक जा यार बॉबी, ए बॉबी छोड़ यार, हाथ बॉबी का रुक जा, लफड़ा कर रहा है, डॉलर छोड़ बस कर यार, बॉबी छोड़ यार, आज का दिन बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, चलो रे। चल बॉबी आजा। क्या हुआ, इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? कल की बात से नाराज हो? कल जब मैंने तुम्हें देखा मुझे विनोद की याद आ गई। ये विनोद कौन है? हाँ? विनोद मेरा भाई है। ओह, अरे भाई था तो उसको लेकर आना था ना, उससे भी मिल लेता मैं, और क्या। वो इस दुनिया में नहीं है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहा था, उसी प्रोटेस्ट में उसकी मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने बॉबी, लड़ाई हमें सिर्फ खुद से लड़नी चाहिए, बाहरी लड़ाई एक ना एक दिन हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। ये लड़ाई झगड़ा ये सब मेरे भाई को वापस नहीं लौटा सकते, इससे जो तकलीफ होती है ना ये सिर्फ मैं ही जानती हूं।
मैं उसे मिस करती हूँ, बहुत अकेला महसूस करती हूँ। ए लिली, मैं चाहता हूँ मैं तेरे घर आके तेरे पेरेंट्स से शादी की बात करूँ। ट्रेन आ गई है, सिगरेट फेंक दो। अरे लिली, कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। लाई अंकल, मैं लेता हूँ। हाय डैड, कैसे हो बॉबी? मैं अच्छा हूँ। ठीक तो? बहुत अच्छा। आ जाओ बेटा। आंटी, ये बैग भी मुझे दे दीजिए। तैयारियाँ कैसी चल रही है? जबरदस्त। कैसे बॉबी, सब ठीक है ना? बात है? मैं अच्छा हूँ। हमें देख के सब बहुत खुश होंगे। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? अरे ये क्या हुआ? कैसे हो दीदी? ठीक है ना? कैसी हो? सब ठीक है ना? दीदी तो नहीं पटी, तो मुझे पटा रहे हो? फूटी किस्मत। तो बताइए कैसी लगी आपको? अच्छी। वही तो, मैं जानती हूँ आपको पिंक बहुत पसंद है। ये लीजिए। लो इसे भी बीज दो। अरे कुसुम, आओ ना बेटा। बहुत दिनों बाद ये सब देख रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। जरा यही रुको, मैं आती हूँ। देखो, हाँ बस बहुत है। देखना। इतना काफी है ना? ए, मैं जरा आता हूँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आपके लिए है। वाह, क्या बात है। ए, चलना है ना? साइड में रखते, ऐसे लगाना है। मैं यही बाती सबको दे दूँ और मैं पापा देती हूँ। हाँ, एक और दो। ये लो। एक दो। अरे सुनो, एक और दो ना मुझे। एक दो ना। बेटा पापा दो। अबे काम ही होता रहेगा, बंदोबस्त नहीं है क्या? अरे ऊपर बंदोबस्त किया ले भाई। ए, जल्दी लाना। क्या बे बूढ़ा, बहुत ताकत देगा तुम्हारा बे? क्या हुआ है? क्या कर रहा है? बच गया तू। अरे दीदी दीदी चलो, आपने बहुत टाइम से डांस नहीं किया, चलो सब साथ में डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो 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 चलो। आंटी, हमने अभी के लिए योगेश के घर को दूल्हे का घर बना दिया है, वो डायरेक्टली वहीं आ जाएंगे। बहुत अच्छा। जा जा। खुश है। संभाल के संभाल के। अरे तो बात ना। अरे इधर देना। आंटी, ये एरिया गेस्ट के लिए और उस तरफ हमने डिनर के लिए रखा है। स्वस्तिना पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिना क्षरयो वरिष्ठनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु। वरवधू अपने हाथ आगे करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरिः। ए बॉबी, लिली को देखना। हुँ?
लीजिए, वहीं रखा है। नहीं यहाँ तो नहीं है बेटा, शीघ्र मंगवा लीजिए। ए लिली, जाके अंदर से कलश लेके आ, सफेद है मिट्टी का, जाओ। और क्या चाहिए? लिली, बॉबी मिट्टी का कलश दिखा क्या कहीं? व्हाइट कलर का है, ढूंढो ना प्लीज। लिली। हाँ क्या हुआ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स। मिला क्या? हाँ। थैंक्स, चलो। बॉबी प्लीज। लिली, बॉबी प्लीज, आई लव यू। बॉबी ये अचानक से क्या लव? 10 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्यार हो गया? हम ऐसे ही ठीक है ना? हाँ, देखो जैसे तुम दीदी को पसंद करते थे, ये भी उसी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है। अरे यार प्लीज, यहां से जाने के बाद हमारी लाइफ अलग होगी, हमारी सोच अलग होगी, हमारी जर्नी अलग होगी, समझते क्यों नहीं? मैं बदल जाऊंगी और तुम भी बदल जाओगे, और 2 दिन में भूल जाओगे तुम मुझे। लिली, तुमने मुझे अब तक बहुत अच्छी यादें दी हैं बॉबी, सिर्फ इसे छोड़ के प्लीज। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गणध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय नमो हरिः। जा रही हूँ दादी मैं। अच्छा दीदी, जल्दी। हाँ, अपना ख्याल रखना। और आप भी। जल्दी आना लिली, आना लिली, अपना ध्यान कौन सा ठीक कर गया? बाय। सिलेंडर खत्म हो गया, जा जाके आंटी के घर से ले आ। यहाँ बस 4 दिन के लिए आई थी, और 4 दिन में ही तुझे उससे प्यार हो गया। बॉबी तू ये सब छोड़ और एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर। खड़े हो, गेट अप, आई सेड। चिट कहां पर रखी है? मेरे पास चिट नहीं है। सर प्लीज चेक हिम।
शूज। सर मैंने कहा ना मेरे पास चिट नहीं है, क्यों इरिटेट कर रहे हैं आप मुझे? आई सेड टेक ऑफ योर शूज। ज्यादा मुझे यह बात परेशान करती है कि मैं उसे उस दिन जवाब नहीं दे पाया। उसने कहा हमारी राय जुदा है, पर उसने कभी यह नहीं कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती। बादल में किसी ने छेद कर दिया है, बारिश रुकी नहीं रही। अगर ऐसी रहा तो बाढ़ आ जाएगी। अगर इस तरह के अच्छे शॉट मारेंगे ना तो जरूर नेशनल्स तक पहुंच जाएंगे। अच्छा शॉट था। बाय बाय बाय। बॉबी तुम यहाँ कैसे? बाइक से आए हो? इतनी दूर? समझती क्या तू अपने आप को? हाँ तू इतनी भी सुंदर नहीं है जितनी जाया। ओके वो तो कमाल की डांसर है, खूबसूरत लंबे बाल हैं उसके, और तू खुद को देख तेरे झाड़ू जैसे बाल हैं। जाने से पहले एक बार भी पलट के नहीं देखा तूने मुझे? इतना गुरूर? तुझे मेरे ऐसा प्यार करने वाला कभी नहीं मिल सकता, समझी? मेरे लिए मेरी लाइफ का पहला प्यार तू है। वो तेरी दोस्त हैं क्या? रुबीना और दीक्षा। रुबीना? हाँ? हाय। बैटिंग करती हुई या बोलिंग? बोलर। कैसे बना ली तुमने इस घमंडी को दोस्त? भाव ही नहीं देती है। बहुत बातें करती है तुम्हारे बारे में। अरे क्या कहा? मतलब जब से आई है तब से तुम्हारे बारे में ही बातें करती है। सच कह रही हो? अच्छा बताओ तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? ये मुझे नहीं पता। तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय लिली। मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा, इसलिए उस दिन तुम्हें मना करके तो मैं चली आई। मैंने सोचा था यहाँ आऊंगी तो तुम्हें भूल जाऊंगी, पर मैं तो हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। और याद है उस दिन जब तुम उन लोगों से लड़ रहे थे, मैं बहुत डर गई थी। शायद उसके पहले ही मैं तुम्हें पसंद करने लगी थी। तुम्हारे झगड़े ने उस दिन मुझे रोक दिया। बस इतनी सी बात तुम्हें रोक रही है? ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई लीली। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपनी जर्नी का एक हिस्सा मुझे भी बना लो लीली। आज से मैं तुम्हारा कॉमरेड। उस तरफ? नहीं इस तरफ चलो। हाँ
आज ये रुकेगी? जीतना है तो अपना बेस्ट देना होगा, दुनिया को दिखा दो कि हम क्या हैं। आए 120। कैसे हो तुम? मैं तो ठीक ही हूँ। अरे हेलो बॉबी। हाय माँ। आओ अच्छा ना आंटी। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। आओ। अरे ये देखो यार, तुमने तो बहुत मेडल जीते। ये कौन है? तुम हो? अरे दो मुझे। क्या सोच रही विनोद के बारे में? बचपन में ये बहुत शरारती थी। बाय बेटा, आते रहना। हाँ Okay. उनको हाय कहना। Please say hi to Bobby. Hi Bobby. Hi hi hi. Thank you. Hi hello. Lily सुनो ना, तुम अभी आ रही हो या नहीं? Bangalore से वापस आते ही सबसे पहले तुमसे मिलूंगी, okay? Please don't mind. I'm really really sorry and I really miss you. Okay. Bye. नहीं नहीं, ये फोन पे किस वेस मुझे नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारा मैच है, तुम जाओ खेलो। Best of luck. रुक रुक रुक, ओके बाय। कहाँ हो तुम? कहाँ, बस कब पहुँचोगे तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ, किधर हो? हेलो तुम भी ना? गेम पे तो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे, बस तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। झूठी, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। हा? अरे सच में? ए, जिस दिन तुझे क्रिकेट से ज्यादा मुझसे प्यार हो जाएगा ना, उस दिन तेरी लाइफ से आउट हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। चलो चलते हैं, चलो ना। क्या भाई, उस दिन कभी से बात कर रहे क्या? तू बता ना। तू जा ना रे। अरे तुम भी कैसे गए? नहीं दूर रहो, इसे पहन लो। अरे यार चलो फिट हो जाएगा। अब तो आजा। क्या कर रहे हो?
ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगी। एक बात कहूं बॉबी, लिली थोड़ी सेंसिटिव है, तुम्हें पसंद करती है, मुझे यकीन है तुम उसका ख्याल रखोगे। देखना वो तुम सबको भूल जाएगी, इतना ख्याल रखूंगा उसका। अच्छा। तूने चिकने से बात की? अरे खाली टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ। मूवी कितनी अच्छी थी ना? अबे ये देख। किस्मत वाला है तू। ए किशोर। चल बाइक से उतर। प्यार से कह रहा हूँ। और तू? ए नीचे उतर। क्या कर रही है उसके साथ? ए मार मत। हाँ बोलना। क्या? चल निकल निकल जल्दी कर। चल बहुत नीचे कर, नीचे कर। लड़की को मारने का बहुत शौक है। कहाँ जा रही थी अपने यार के साथ? हाँ कहाँ जा रही थी? बुला बुला बॉबी को बुला। हीरो बदल मुझे मार दे। छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। सालों को हाथ उठाता है, लड़की में हाथ उठाता है। सालों को सालों को नहीं, हाथ तुझे फोड़ूंगा नहीं। अभी बस कर। क्यों बस कर बे? तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे बॉबे निकल, बॉबे किशोर निकल। चल 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 चल। भाई डॉक्टर ने कहा है 48 घंटे से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। भाई मैंने पहले ही आपको बॉबी के गैंग के बारे में बताया था, पर आपने ही हमें इलेक्शन तक रुकने को कहा था। अब देखिए क्या हो गया, उन्होंने भाई का क्या हाल कर दिया। मौत के घाट उतार दो से। जी भाई। चल सर, चल सर, 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 क्या सर? अरे सर काले के जा। बहुत बड़ा गुंडा है तू, तूने किशोर को क्यों मारा बोल? क्यों फट गए क्या सर? जबान लड़ा रहा है तू? सर मार क्यों रहे हो? सर चल सर। हाँ छोड़ दीजिए, बताता हूँ मैं कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। हर बार की एक वजह होती है, समझ में नहीं आता है क्या? छोड़ यार, छोड़े मुझे मारा। पीछे मारा तुम लोगों ने। बॉबी आप नहीं बचोगे। भाग। चल 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 निकल निकल। बॉबी चल ऊपर, चल चल चल। एक्सक्यूज मी अनीता, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मुझे क्यों बुलाया? क्या हुआ? ए, मैंने उस कमीने को कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? कितनी बार कहूँ, समझ में नहीं आता क्या तुझे? चल भागो। Ah!
बॉबी प्लीज। प्लीज प्लीज मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ, उसे मत मारो प्लीज 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 प्लीज। जिंदगी में सबको खुश रखने का ठेका नहीं उठा रखा है। हमेशा लगता है तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तुम्हें हमें ऐसे देखकर अच्छा लगता है क्या? तुम्हारी माँ पापा बहन दोस्त सब बाहर खड़े तुम्हारे लिए और सब कितने दुखी हैं। आखिर क्यों? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बॉबी? किसने तुम्हें हक दिया बॉबी? किसने तुम्हें हक दिया कि तुम हमें इस तरह तकलीफ पहुंचा सको? सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारी पेन, तुम्हारा दुख, सब मुझे लेक्चर देने आ जाते हैं। किसी ने जानने की कोशिश की कि उस दिन क्या हुआ, सब मुझे ब्लेम करते हैं। आखिर तुम्हें पता है क्या गलत है क्या सही है? लिली लिली मेरी बात सुनो, रुको तो। ये हॉस्पिटल है यार। हाँ मैं जानता हूँ ये हॉस्पिटल है। पागल हो गया ये। लिली तुम चलो। अरे तू जाना, तू जा, तू बाहर जा, जा जाना। बॉबी, बॉबी, I'm sorry, बॉबी। इतने दिन से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था ना? कितने दिनों से? हाँ कितने दिनों से ठीक चल रहा है? तुमने कहा तुम हमेशा साथ रहोगे, पर मुझे बस यही डर लगता रहता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हम बाद में बात करेंगे, तू अभी यहां से जा। नहीं अभी बात कर दी। ए लेकर जाना इसको यार, लेके जा। ले ले तुम चलो, ये किसी नहीं सुनता, चलो। बात तो अभी होगी, क्या तुम ये सब बंद करोगे या मुझे छोड़ दोगे? तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। बॉबी मैं फिर चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, पर कम से कम मैं सुकून से तो रहूंगी। बॉबी चला, तुझे सुकून दिलाता हूं, चले। बॉबी बॉबी प्लीज, कहां ले जा रहा है इसको तू? अरे ये बात हो गया है। ए बॉबी जरा रुक, तो सुन बॉबी। अरे भैया तू आ जा, चल समझा इसको, बता तो सही। ए बॉबी जा, तू भी जाना उसके साथ। क्या कर रहा है यार? उस दिन मैंने उसे जाने के लिए कह दिया और वो रोती हुई चली गई, पर मुझे नहीं पता था कि वो फिर कभी वापस नहीं आएगी। मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, उससे मिलना भी चाहा, पर वो नहीं मिलना चाहती थी। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि वो मेरी सांसों में बस चुकी है? उसका आना मेरी जिंदगी में एक नया आगाज था और उसका जाना मेरे वजूद की मौत। ये मेरी खुशनसीबी थी कि तुम मेरी लाइफ में आई लिली। अच्छा बताओ तुम मेरे बारे में क्यों सोचते रहते हो? बाय। अब से मेरी जिंदगी बहुत अलग होगी क्योंकि उसमें तुम नहीं होगी।
अब मैं जब चाहूं तो मैं देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। पता नहीं मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा या नहीं। तुझे देखे 3 साल हो गए हैं। बोल तू कब घर आएगा बेटा? तेरे दादाजी नहीं रहे, उनकी बरसी है, अब तो आजा। दादाजी मरे नहीं है माँ, वो अब भी मुझ में जिंदा है। कॉमरेड उसे कहते हैं जो लोगों के हक के लिए लड़े, उनकी आजादी के लिए, उनकी खुशियों के लिए, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। उसके लिए कुर्बानियां देनी होती हैं, मैदान में सबसे आगे रहना पड़ता है। इस 4 दीवारी में तुम्हें कोई जवाब नहीं मिलेगा। सारे बंधन तोड़ दो, जाओ कहीं दूर चले जाओ, मैदान में कूद पड़ो। जिस दिन तुम एक सच्चे कॉमरेड बन जाओगे, तुम्हें अपनी सभी बातों का जवाब मिल जाएगा। हो सकता है मंजिल बहुत दूर हो, लेकिन रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। कुदरत कदम कदम पर तुम्हारा इम्तहान लेगी, हिम्मत कभी मत हारना। आपने जो जो कहा सब सच था दादाजी। ये रास्ते, ये नदियां, ये हवाएं, ये मिट्टी, सभी मुझसे अपनी बातें करते हैं। 2 साल का समय, हजारों किलोमीटर का सफर और अलग अलग तरह के लोग। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जितने लोग उतनी कहानियां। हर जगह आपको कुछ नया सिखाती है। प्रकृति के साजों से निकलती हुई हर आवाज मुझे अंदर तक शांत करती जाती है। मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं क्या करना चाहता हूं। मेरे सफर का यही तो मकसद है। सन्नाटे में गूंजती हुई तरह तरह की आवाजों को जब मैं सुनता हूं, मेरे उदासी के बादल छटने लगते हैं। मैं खुश नसीब हूं कि ये काम मैं कर पा रहा हूं। क्या बात है बॉबी? गाइस जरा बॉबी को देखो। ऐसी रहा करो ना, हमेशा देवदास बने रहते हो। हीरो लग रहे हो, हीरो। चैतन्य ही मेरा असली नाम है और ये इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग के स्टूडेंट्स हैं और हम इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहा है बॉबी? ए बॉबी सुनो, डॉक्टर ने हमें अपॉइंटमेंट दे दी है, कल हैदराबाद बुलाया है मिलने के लिए। मिस्टर हितेश। हेलो मैम। हाय, हम डॉक्टर सुमित से मिलने आए हैं। डॉक्टर अभी राउंड अप पे हैं, उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कीजिए। ओके मैम, श्योर, थैंक यू। ओके, कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, फिक्र की कोई बात नहीं, जस्ट अभी उसने खाना खाया। हाँ, वो आराम कर रहे हैं। ओके, मैं बाद में कॉल करती हूँ। बॉबी
अरे बॉबी, तू यहाँ कैसे? तुझे देखे कितने साल हो गए, तू तो काफी बदल गया। पर तुम वैसे की वैसी ही हो। अकेली आई हो यहाँ पर? अरे नहीं, शशांक भी यही है। अच्छा, आओ। हाय, आप लोग इंडिया कब आए? मैं तो 6 महीने हो गए, और तू अभी आराम से मिलने? थोड़ा बिजी था। आजा। इतने दिनों कहाँ गायब हो गया था, हम सबकी याद नहीं आई? माँ बता रही थी पूरे 3 साल के बाद घर गया था, अब मुझसे भी छुपाएगा? अरे बता ना। आप लोग कॉफी पीना चाहेंगे? हाँ, मैं अभी ले आता हूँ, तुम दोनों बातें करो। थैंक्स शशांक। इट्स ओके। 3 कॉफी देना। तुम यहाँ उसे देखने आए हो ना? किसे? तुम लिली से मिलने नहीं आए हो? लिली यहाँ? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसे? लिली का रोड एक्सीडेंट हुआ है। सिलेक्शन डे के दिन ये सब हुआ, उसकी वजह से वो नेशनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाई। वो यहीं साइकियाट्रिक वार्ड में है, डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन से जूझ रही है। क्या मैं एक बार उससे मिल सकता हूँ? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो जया, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर प्लीज, मैं जानता हूँ उसे, हम दोनों। No. जया, इन्हें समझाओ ना प्लीज। डॉक्टर, मिस्टर, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है उसकी हालत क्या है। लिली की हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक है, अंदर से वो टूट चुकी है। उससे मिलना मतलब उसकी जान को खतरे में डालना, इसलिए नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं उसे तंग नहीं करूंगा डॉक्टर, एक बार देखने में क्या प्रॉब्लम है। जया प्लीज टेल हिम। इनफैक्ट कल रात तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था, भागने के चक्कर में वो सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। डू यू नो दैट? क्या कह रहे डॉक्टर? शशांक, डैड को जल्दी से कॉल करो। इज एनीथिंग सीरियस? नो, छोटी सी मोच आई है बस, नो प्रॉब्लम। पर उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है, डोंट वरी। ओके, तुम आराम से। I'm so sorry. मुझे लगा था कि मैं तुम्हें लोगों के बीच किसी ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हुए देखूंगा, और तुम यहां पड़ी हुई हो। अब तुम क्यों रो रही हो? इन लोगों ने तुम्हें बांधा क्यों है? आपने इसे बांध के क्यों रखा हुआ है? कुछ नहीं सुना चाहता। क्यों? Are you mad? इसे अभी क्या खोलो? खोलो इसे। बांध के क्यों रखा है? चाहे इसे बांध के खोले। ये हॉस्पिटल देखना नहीं चाहिए। अंकल, इन्होंने लिली को बांध के रखा हुआ है। इन्हें बोलिए उसे। बॉबी, शांत हो जाओ प्लीज। देखो बात सर, ये आपका क्या लगता है? और नहीं है। सॉरी डॉक्टर, हंगामा मचा रखा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल ये लिली का दोस्त है। बॉबी एक मिनट ले जाइए इसे। देखो बॉबी, शांति से मेरी बात को सुनना। लिली के लिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। इसे बाहर ले जाओ जया। तुम तो जानते ही हो ना बॉबी, उसे क्रिकेट कितना पसंद है। उस हादसे की वजह से उसका सपना टूट गया। बाइक लेकर रेडी होने में आ रहा हूँ। ठीक है।
चलो उठो यहाँ से निकलते हैं। मेरी चलो। नहीं, 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 मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दीजिए सब, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज 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 मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए, सब ठीक है। देखो मुझे मैं बॉबी हूँ, लिली मैं बॉबी। ए, याद आया? मैं यहाँ से तुम्हें दूर ले जाऊंगा, ओके? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये लो चॉकलेट, रख लो इसे, तुम्हें पसंद है ना? ये तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए कराया हूँ, चलो रख लो। हाँ मैंने इंजेक्शन दे दिया। चल चल जल्दी कर, आराम से आराम से। ए कोई पकड़े उसे, वो उसे कहां ले गया है? क्या बात है? एक मिनट, दो चाय देना। कंपटीशन कर रही है क्या? तू अपनी दवाई पी और मैं अपनी। तुम बहुत बदल गए हो। कम से कम पहले से तो अच्छा हो ना, या उससे भी ज्यादा बिगड़ गया हूँ अब। तुम पहले वाले बॉबी नहीं रहे। हाँ वो तो है। हाय। ऐसे रहने में बहुत मजा आता है, तुम्हारे हॉस्पिटल से तो अच्छा ही है। लिली ये तुम्हारे लिए है। चलते हैं दोस्त, ओके बाय 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 बॉबी। हाय, एक बार कॉल करके बता नहीं सकता था? सिग्नल ही नहीं आ रहा था कहीं। अंदर जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। कैसी है? खड़ा क्यों है? अंदर जा। लिली कहाँ चली गई थी? यही थी दादी। हाय अंकल। तू अपने आप को समझता क्या है? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो निकल बाहर, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना।
बॉबी मुझे ठीक करने ले गया था। देखिए मैं ठीक हूँ, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? बॉबी बात का बुरा मत मानना बेटा, अभी तुम जाओ प्लीज। दोबारा ये आदमी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। बॉबी की वजह से आपकी बेटी ठीक हुई है और आप उसी पे चिल्ला रहे हैं। प्लीज आप अंदर जाइए। आंटी क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ? बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूँ। अंदर राइट में है। सॉरी। अरे खा ना, कितना पतला हो गया है। बस बहुत हुआ आंटी। ए बॉबी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। सब कहते हैं तू जादूगर है। तूने लिली को ठीक किया ना, मेरे घुटनों को भी ठीक कर दे बेटा। ठीक है दादी। माँ जी उसे खाने दीजिए, बाद में बात कर लीजिएगा। चवन प्राश रख लिया ना बेटा, टाइम टाइम पे खाना। ओके चल। अरे डॉक्टर कैसे हो? अगर तुम फिर से हॉस्पिटल के आसपास दिखाई दिए मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। डॉक्टर सॉरी, जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन अब वो नॉर्मल हो गई है डॉक्टर, अब तो हंस भी रही है। अगर आप हमें अपॉइंटमेंट देंगे तो मैं साउंड थेरेपी का प्रेजेंटेशन आपको दे सकता हूं। तुम्हें वो नॉर्मल लगती है? तुम्हें लगता है उसके घाव इतनी जल्दी भर जाएंगे? हम वो बाहर से खुश लगती है पर अंदर उसके बहुत दर्द है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है तुम्हारी वजह से। बॉबी हा? जा क्यों रहे हो, यहां रुक नहीं सकते? ए, डॉक्टर आ रहा है। जब कभी तुम्हें जिंदगी में तकलीफ का एहसास हो या तुम्हें अकेलापन महसूस हो या अगर तुम किसी को मिस कर रही हो तो इसे सुन लेना। इसने मेरी बहुत मदद की थी, इसे ध्यान से रखना। ओके समझ गए? मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं बॉबी, तुम यहीं रहो बस। इसकी जरूरत नहीं है, नितेश यहीं बगल में रहता है, मैं उसके पास रह लूंगा। कब आओगे? पता नहीं। बाय। मुझे लगा था उससे फिर से नहीं मिल पाऊंगी पर वो मेरी जिंदगी में फिर से वापस आ गया। और तुझे क्या क्या लगता है? अब लगता है वो पहले क्यों नहीं आया। अच्छा आप भी ना दीदी। कितनी बार समझाया है, फिर से कांच तोड़ दिया तुम लोगों ने। आंटी प्लीज, आंटी बोल दे। हर तीसरे चौथे दिन ये लोग कांच तोड़ देते हैं। कितना महंगा फ्रेम था, बताओ कौन भरेगा इसके पैसे? फिर नहीं आएगा। आइयो आंटी प्लीज। जाने दो ना, बोल दे दो ना आंटी प्लीज। आंटी दीदी दीदी प्लीज दे दो ना बॉल। दीदी सॉरी प्लीज। दीदी 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 प्लीज बॉल दे दो दीदी। मुन्ना चलो। कहाँ प्रैक्टिस करता है तू? सेंट जॉन्स दीदी। थैंक यू दीदी। क्या बात है, एसएस की बैट। तुम्हारे पास आ रहा था, चलो घुमा के लेकर आता हूं तुम्हें। ओके बैठो। बैठ गई? हाँ चलते हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है तुम जानती हो ना? तुमने जो महसूस किया वो अगर थोड़ा डिस्क्राइब करोगी तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो बोल दूंगी मैं। अरे स्क्रिप्ट देना जरा। लिली ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, बैठ के पढ़ लो। लिली लाइंस को थोड़ा ड्रामेटिकली बोलना, ठीक है ना? तुम्हारी कहानी की तरह ना। हाँ किया है। डियर कॉमरेड,
चांद की चांदनी भी फीकी। बस बस बस, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे बोलना, ठीक है ना? हाय, मेरा नाम लिली है। एक्सीडेंट की वजह से मैं महीनों तक डिप्रेशन में चली गई थी। इसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी दो चूड़ियां भी बेच दी। बॉबी, ये सब क्या लिखा है? माँ ने चूड़ियां बेच दी? यार, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है? हम लोग टीवी पे कुछ बेच रहे हैं क्या? वो तो फील के लिए लिखा था। अबे, फीलिंग का फालूदा निकाल दिया। बॉबी, मैं खुद से बोलती हूँ। तुम खुद से बोल लोगी ना? हाँ हाँ, ठीक है, फिर उसे साइड में रख दो। ठीक है। एक्शन। हाय, मेरा नाम लिली है। मैं पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन की शिकार हूँ। साइकियाट्रिक वार्ड, मेडिकेशन, कुछ भी मेरे काम नहीं आया। पर कुछ दिनों बाद मेरी मुलाकात इनसे हुई। नेचर से बेहतर कोई और उपचार हो ही नहीं सकता। इनकी साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट बहुत हेल्पफुल थी। सो थैंक यू बॉबी एंड एवरीवन मुझे फिर से ठीक करने के लिए। Yes. लेकिन अब मुझे लगता एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो, अच्छी बात है। तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो। मैंने कहा था? हाँ बॉबी, कल 10 बजे की फ्लाइट है तो टाइम पे तैयार हो जाना तुम। हाँ ठीक है, मैं 8 बजे तक रेडी हो जाऊंगा। तुम लोग जा रहे हो? जाना तो होगा ही, उन लोगों को डेमो जो दिखाना है। तुम्हें भी जाना होगा? मुझे तो जाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग तो वहाँ चूड़ियाँ बेच कर आ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे अचानक तुम्हें बुलाना पड़ा। सिर्फ इसीलिए बुलाया था क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। लगता है तुम अपने पापा से मुझे फिर से बिटवाना चाहती हो। तुम अब घर वापस जाओ लिली, और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। जल्दी तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ये सब चीजें तुम्हारा ध्यान भटकाती रहेंगी, है ना? समझ गई ना? तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी, मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा लिली, ठीक है ना? ध्यान रखना। बॉबी, तेरे कुछ दोस्त आए हैं। कौन है? पता नहीं, कह रहे थे कि कॉमरेड्स हैं। ये रघु है, ये दिनेश है, और ये मार्टिन है, मेरे बचपन के दोस्त। हाय, मेरी शादी होने वाली है। मेरी शादी तक ये मेरे साथ ही रहेगा। तुम लोग कल्टी मारो। तेरी शादी? छोटी ने कितनी बार बोला तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू तो ईद का चांद हो गया। अरे मैं बताना चाहता था लेकिन बिजी था यार। लीली मिली थी वे, उसने बताया तू यहाँ है। अच्छा, लीली ने बताया? हाँ, उसी ने बताया था। तुम लोग अभी साथ में हो? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। कोइंसिडेंटली हम लोग कहीं मिल गए। दरअसल उसकी हालत ठीक नहीं है, अब उसमें काफी सुधार है, लेकिन अगर कुछ दिन पहले तुम लोग उसे देखते ना तो डर जाते। वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। बस एक बार वो किसी तरह क्रिकेट ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दे तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा यार। उसके बाद वो अपने रास्ते में अपने रास्ते। अरे भैया। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? पढ़ाई ठीक से कर रही है? हाँ। वहां को तंग तो नहीं?
पापा, तुम्हारे जाने के बाद ये घर घर नहीं रहा, हम तो बस ऐसे ही जी रहे हैं। तुम बता रहे थे किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कैसा चल रहा है वो? अच्छा चल रहा है, पैसे ठीक ठाक मिलते हैं? फिजूल खर्ची मत करना, सेविंग भी करना, ठीक है, अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है जब तक तुम लौट कर आओ तब तक वक्त बदल चुका हो, शायद मैं ना रहूं, पर मेरा यकीन मानो उस वक्त तुम पूरी तरह से बदल चुके होगे। बॉबी, हाय। लिली, तुम कब आई? तुम अपने साथ नहीं लाओगे तो मैं खुद नहीं आ सकती। अरे मुझे लगा कि तुम डायरेक्टली रघु की शादी के लिए आओगी, वरना साथ में ही आ जाते यार। बिना बताए क्यों चले आए? साथ में आ जाते तो कुछ बिगड़ जाता। अरे? क्या? अरे तुम कब आए लिली? देखिए ना आंटी, बिना बताए आ गया। तुम आ जाओ, मिलकर सबक सिखाएंगे इसे। हाँ। कैसी लड़की है। तू आ इधर। माँ मेरे वाले में चीनी कम डालना। ठीक है। तुम्हें याद है उस दिन तेज बारिश हुई थी, हम दोनों भीग गए थे यहाँ? हम पूरी तरह भीग गए थे और छत से पानी टपक रहा था। अच्छा, उस दिन उसे हमने रिपेयर करा दिया है, काफी पुरानी जो हो गई थी। वैसे तुम दोनों को अचानक उसकी याद कहाँ से आ गई? अंदर आ जाओ, बैठकर बात करेंगे, ठीक है? जब ये तुम्हें हॉस्पिटल से ले गया था तो हमें बहुत कॉल आए, हम तो घबरा गए थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। इसने 3 साल तक शक्ल नहीं दिखाई, पर तुम्हारे साथ 2 हफ्ते रहा। मेरी एक बात मानोगी बेटा, इसे कहीं जाने मत देना, ठीक है? जैसे कि मैं रोक लूंगी। क्या मतलब? वो अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। उसका दिल करेगा तो ही वो रहेगा, मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। क्या यार, तुम लोग तो मुझे भूल ही गए थे। हाय गर्ल्स, और कैसे कंग्रेचुलेशन। आजा यार, कैसा है? से भी मिल यार। कैसा है? अब नो दुश्मनी। लिली इससे मिल। हेलो। पहले तो सबसे पहले जाना था। बड़ी बड़ी बात कर रहा था, आखिर बकरा बन ही गया ना। देखना भाभी का गुलाम बनेगा ये। चलो शादी हुई तो रघु की बकबक आधी तो हो गई, अब मुझे तंग तो नहीं करेगा कम से कम। थैंक यू। अब रघु के बाद बकरा कौन बनने वाला है? अब तो बॉबी बकरा बनेगा। और लिली तुम कब कर रही हो? कनाडा से आ रहे हैं कुछ लोग मुझे देखने अगले हफ्ते। इसका तो हो गया। ए बॉबी, तू भी देख ले इसका होने वाला पति कैसा है, लड़का अच्छा होना चाहिए। क्यों बॉबी, वो भी तेरी तरह दीवानों के जैसे फोन बूथ पर पागलपंती करेगा। मार्टिन मुंह बंद करना। नहीं ऐसी बात नहीं है, पता करना तेरी तरह वो भी इसके लिए रोएगा कि नहीं, या फिर खाली पोकट। अरे कैसे पट्टी मार रहा है? ये वही है ना जो देवदास बना हुआ था? अभी देख कितना सीधा साधा बने हैं। तो बताता हूं हम दोनों को सुन दिया और क्या बताया पिलाई दी, पता है तुझे? अरे रुक, तू रुक। नहीं नहीं हम लोग जा रहे हैं। क्यों रे लड़का सबसे यार, ये ना सच बताओ, तुम मेरे लिए रोए थे?
अब तू मत शुरू हो जा लिली। अरे बताओ ना, रोए थे क्या? पर अब तुम पहले से बहुत शांत हो गए हो। अब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे सपने, तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारे अंदर का गुस्सा तो जैसे खत्म ही हो गया। मुझे ये बॉबी ज्यादा पसंद है। वादा करो हमेशा ऐसे ही रहोगे, करो ना। बैठ जाओ। अब तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो, तब तो सब कुछ ठीक है ना। मैचेस के लिए फिट होना है, नेशनल खेलना है, तुम कर लोगी तो हम सब के सब वहां स्टैंड्स पे खड़े होकर चीयर लीडिंग किया करेंगे। बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, वो मेरा पास्ट है। अब तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा? मेरा फ्यूचर तुम हो बॉबी, तुम जहाँ जाओगे मैं साथ जाना चाहती हूँ। हम शादी करके हमेशा अच्छे से रहेंगे और मेरे पेरेंट्स की भी खुशी उसी में है जिसमें मेरी खुशी है। लिली, ये शादी बीच में कहाँ से आ गई? क्रिकेट छोड़कर अब तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? और तुम मुझे क्रिकेट से पहले तो नहीं जानती थी ना? एक समय था जब तुम मुझसे ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थे, याद है ना? क्रिकेट के अलावा भी जिंदगी में बहुत कुछ है, मुझे बस तुम चाहिए बॉबी, मैं खुश रहूंगी। देखो लिली, तुम्हें मेरे लिए सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है मैंने, तुम्हें मेरे लिए अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट बनकर रहूंगा, तुम्हारा कॉमरेड बनकर। मैं तुम्हें अपने सपने पूरे करते देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहता हूं। लिली, तुम्हें हो क्या गया है? बार बार क्रिकेट, गोल, यही सब बातें किए जा रहे हो। एक बात बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये बात कैसे कह सकती हो तुम? नहीं, क्या मतलब क्या है तुम्हारी बात का? शादी के बाद क्या तुम पहले की तरह क्रिकेट खेल पाओगी? फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर पाओगी? लिली, लिली, बॉबी, क्रिकेट छोड़ दिया मैंने, तुम्हारा काम तो हो गया ना बॉबी? वो बाहर से खुश लगती है पर अंदर उसके बहुत दर्द है। ये टेम्पररी डाइवर्जन है तुम्हारी वजह से। रुबीना, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम रुबीना? तुम और यहाँ? मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तुम यहाँ पर काम करती हो? क्या हुआ क्या तुम्हें? सब ठीक तो है ना? बॉबी, लिली कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो ठीक है, हम मिले भी हैं। मुझे उससे मिले बहुत दिन हो गए हैं। वो बहुत सेंसिटिव है, उसका ख्याल रखना तुम। लिली कहती है उसे अभी क्रिकेट नहीं खेलना है और तुम यहाँ पर सिलाई का काम सीखने आती हो। आखिर ये हो क्या रहा है रुबीना? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुझे साफ साफ कुछ बताता क्यों नहीं है? आखिर बात क्या रुबीना? थैंक यू। मॉर्निंग। कम ऑन लिली, जल्दी,
And the player of the match goes to Miss Lily. We request our South Zone chairman, Mr. Ramesh Rao, to please hand over the trophy. Congratulations. Thank you. Lily, kal mujhe mere office mein milo. I'll be waiting for you. Congrats. Okay, sir. Bye-bye. Bye, sir. Bye. Yes. Yes. Such a delight to watch. What a player you are. Lambe samay ke baad koi achha khiladi dekhne ko mila hai. Now tell me something about yourself. Tumhare papa kya karte hain? Bank manager hai, sir. Oh, middle class family, orthodox kind, huh? Ji. Okay. I will support you. Thank you, sir. Because Lily, tum hunar aur khoobsurti ki ek shandar misal ho. Main apni team ke liye na jaane kitne saalon se ek aisi hi khiladi ki talash mein tha. Tum jaise khiladi dhoondne ke liye maine din raat ek kar diye. Log intezar kar rahe hain meri next announcement ka ki wo player kaun hoga. और देखो सामने तुम हो मिस लिली जो कि इंडियन नेशनल टीम के लिए खेलेगी तो कैसा लगा सुन के अच्छा है ना जी सर बट बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी सिट 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 अगर कोई तुम्हारी मदद करे तो तुम्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए है ना सो बेसिकली इट इज Hey, Shumi, ये क्या हुआ? हाँ? Practice में. Oh, you should take care of yourself. No. तुम बहुत कीमती हो. तुम बहुत नायाब हो. तो मैं क्या कह रहा था? For formalities. Formalities. Will you sleep with me? Sir. What? What is the big deal? हाँ? आजकल तो ये बहुत नॉर्मल चीज है लिली और इसमें बुराई ही क्या है तुम मेरा ख्याल रखो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा अच्छी तरह सोच के बताना मैं इंतजार करूंगा उस कमीने से डर रही है उसे पता भी है हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे हैं इस कुत्ते को सबक सिखाना ही होगा चल चल के कंप्लेन कर एसोसिएशन में नहीं हम कंप्लेन नहीं कर सकते रुबीना तू उससे डर रही है अब तू कंप्लेन करेगी या मैं करूं हम बहुत डर गए थे बॉबी वो बार बार गिड़गिड़ाई कि क्रिकेट ही उसकी लाइफ है पर वो नहीं माना का मैच जबरदस्त था hey, बहुत मजा आया है ना वेयर इज लिली ओके सर कंप्लेन करेगी तू मेरी कंप्लेन अभी सुबह से काट रहा हूँ तुझे। Hey! नहीं, 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 नहीं। Hey! तू खुद को समझता क्या है? हमारी इज्जत से खेलेगा? क्या कहा तूने? मैंने कंप्लेन की है तेरी। क्या करेगा तू? हाँ? You call me hey? Huh? Sir, please. Hey! रुको दस मिनट के लिए बाहर रुको इन्हें डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है गेट आउट डू यू नो प्लीज हु आई एम मेरे खिलाफ कंप्लेन करेगी हमें छोड़ दीजिए सर प्लीज कितने प्यार से समझाया था पर तू नहीं मानी
तेरी समझ में नहीं आया, मुझे इनकार कर दिया तूने। अब देख कैसे मैं तेरा क्रिकेट करियर बर्बाद करता हूँ। ओके चल बता ऊपर। चल उस तरफ। देखो टूर्नामेंट का शेड्यूल मेरी तरफ। कौन तुम? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्रिकेट के बारे में तुमको मोलेस करता है? मैं जाता हूँ। देखो कितना खून निकल रहा है मेरे सर से। इनफ ऑफ दिस ड्रामा। हु द हेल आर यू? और क्या चाहते हो? क्यों मार रहे हो मुझे? क्रिकेट खेलने के लिए लड़कियों को तेरे साथ सोना पड़ता है ना? डोंट कम नियर मी। डोंट गो बैक। गो बैक। मैं तुझे पूरा सिला देता हूं साले। वो आएगी और क्रिकेट भी खेलेगी। तू कौन होता है किसी का फ्यूचर डिसाइड करने वाला? हाँ, अब तेरा फ्यूचर वो लड़कियां डिसाइड करेंगी। तुझे क्या लगता है तेरी कंप्लेंट करने के लिए फरिश्तों को आना पड़ेगा? तेरे लिए सिर्फ लिली काफी है। रोक के दिखा। अब हम खड़े हैं उसके पीछे। कॉमरेड्स, बॉबी क्या हुआ? अरे तुम्हें छोड़कर मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए था लिली। सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते, ठीक है ना? चलो मेरे साथ। अरे कहाँ? लो वो भी आ गया। चलो। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हम यहाँ पर कंप्लेंट लिखाने आए। कैसी कंप्लेंट? साउथ जोन क्रिकेट एसोसिएशन में लड़ाई हुई है। चेयरमैन रमेश राव ने लिली नाम की लड़की को हैरेस किया है। चलो। ए, रुक। फाइल लेके अंदर कहाँ जा रहा है? ए, कौन हो तुम लोग और बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? साउथ जोन चेयरमैन रमेश राव को 10 लोगों ने मिलकर मारा और चेतावनी दी है। सर, हमें ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिली है। ये कह रहा है कंप्लेंट नहीं है, तो फिर मारा किसने? हमने मारा उसे। हम कानून को मानते हैं और हम यहाँ लिली के बिहाफ पे कंप्लेंट करने आए हैं। सर, चेयरमैन रमेश राव ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर हैरेस किया है और टॉर्चर किया है विमेन क्रिकेटर्स का, और वो कमीना सड़क पर खुलेआम घूम रहा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट सेक्शन 354 एंड सेक्शन 376 के तहत जब तक आप उसे अरेस्ट नहीं करते, हम लोग यहां से नहीं जाएंगे। साइन कर लिली। बॉबी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज घर चलते हैं। घर चलो। लिली चुपचाप साइन कर। बॉबी प्लीज। साइन कर। लिली
अंकल रुकिए, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लिली मेरी बात सुनो। हाँ बेटा, छूना मत इसे। क्या समझता है खुद को? किससे पूछ के तू इसको यहाँ पर लेकर आया? अंकल आप नहीं जानते क्या हुआ है। लिली के नेशनल्स में ना सेलेक्ट होने का कारण कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि चेयरमैन रमेश राव ने। मुझे पता है, मैंने इसे इन सब के लिए मना किया था। मैं नहीं चाहता हमारी इज्जत सबके सामने उछले। तुम इस बात को इतना इश्यू मत बनाओ, हमें अकेला छोड़ दो। सी, शर्म नहीं आती? आपकी बेटी के साथ किसी ने ऐसा सुलूक किया और आप चुप हो? तो करने दीजिए। लिली, ये सब क्या है? इससे बात मत करना। जब मैं आपकी बेटी को यहां से ले गया तो आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यही गुस्सा आप उस पर क्यों नहीं निकाल रहे हो। तुम इसे डर लगता है? अपनी बच्ची के मैटर में बोलते हुए आपको डर लगता है? हाँ, आप साबित क्या करना चाहते हो? कि आप लोग बहुत इज्जतदार घराने से हो? इज्जत ज्यादा जरूरी है बेटी की तकलीफ? लिली चलो यहाँ से। लिली तुम मेरे साथ आओ। बॉबी चलो यहाँ से। लिली, ये लोग तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देंगे। मुझे बॉबी से कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं बाहर वेट करता हूँ। लिली, जितना रमेश राव तुम्हारे डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार है, उतने ही तुम्हारे शट अप। क्या दोबारा मेरी जिंदगी में मुझे रुलाने के लिए आयो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मेरे हालात समझने की कोशिश तो करो। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें ये बात लिली? एक समय था जब मैं फक्र महसूस करता था इन्हें ये बताने में कि तुमसे मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। सर वो घबरा गई है, इसलिए कुछ। पर अब ऐसा महसूस नहीं होता। मैं बैंगलोर और चेन्नई आता था तुम्हारे मैचेस देखने के लिए, याद है? पर अब तुम यहाँ किसी लूजर की तरह प्यार और शादी की बात कर रही हो। मैंने सोचा तुम बदल गए हो, पर तुम वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। लिली, उनसे मैं बस गुस्सा था, पर वो लड़ाई नहीं थी। लेकिन अब ये असली लड़ाई है। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उन्हें दिखा दो कि कॉमरेड कैसे हैं। क्या नौटंकी चल रही है? ए, चल ए, बोला ना। अब उस कंप्लेंट पे ध्यान देना सर, हम वापस आएंगे, उस कमेटी को छोड़ेंगे नहीं हम। जाना। लिली, लिली मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। मैंने कहा क्या कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए? हाँ, तुम सबके सब एक जैसे हो। रमेश राव मेरे साथ सोना चाहता है, पापा फैमिली की इज्जत बचाना चाहते हैं, और तुम चाहते हो कि मैं लड़ूं। कभी किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी के थक चुकी हूँ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज जस्ट लीव मी अलोन। क्या चाहती हो तुम? चाहती क्या हो तुम? भूल जाओ मुझे, उस आदमी को, डैड को, सोसाइटी को, पर एक बार खुद सोचो, एक बार खुद सोच के देखो कि तुम क्या चाहती हो। अपने हक के लिए लड़ना सीखो लिली, ऐसे कायरों की तरह कब तक भागती रहोगी? वो लड़की को साथ लाया और कंप्लेन लिख के गया तेरी। तेरी जिंदगी तो झंड होने वाली है बैडमैन। उसने मेरे ऑफिस में मुझे ही मारा। उसे पकड़ने की बजाय मेरा ही मजाक उड़ा रहा है। अबे तो मुझ पे क्या चिल्ला रहा है तू? लड़की को देख के अंदर का शैतान जाग जाता है ना तेरा? ये कोई छोटा मोटा केस नहीं है। अगर लड़की ने उसकी बात मान ली और कंप्लेन कर ली ना, तो पतलून ढीली हो जाएगी तेरी। बात करता है वो पिल्ला मेरी पतलून ढीली करेगा? जानता नहीं कि मैं कौन हूं। Just finish him. Kill that boy. मार डालो उसे। लिली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तूने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लिली, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। कैसे तूने? तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल कर दोगे। बॉबी ने कुछ कहा क्या? बता मुझे। वो अब भी बिल्कुल वैसा ही है, वो बिल्कुल नहीं बदला। मुझे तो भूल चुका है वो, प्यार नहीं करता वो मुझसे, मुझ पे बस दया आती है, और मुझे ये नहीं पसंद। मेरी जिंदगी बेहतर बना के वो मुझ पर सिर्फ एहसान करना चाहता है। क्या मतलब? किसी और से शादी करके तू जिंदगी भर खुश रहेगी? तूने क्रिकेट भी छोड़ दिया, क्या हुआ उन सपनों का? वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि तुम क्रिकेट खेल सको। पापा को मना कर दे। लिली, लिली लीजिए ना। हाँ लीजिए। लिली ने अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत शौक है उसे कुकिंग का। लो बेटा। बॉबी। हाँ। हा?
बाहर ये क्या नाटक चल रहा है? तो तू शादी करके यहां से भाग जाना चाहती है? अब क्या करने आया हूं? जाओ यहां से, यहीं रुक और लड़। मैं तेरे साथ हूं। मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर चुका हूं। बस कमेटी में यार उन्हें बता कि सच क्या है। हाँ लिली, अपने हक के लिए लड़ लिली। मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा। देख जरा खुद को, देख कि ये कौन है। ये वो लिली नहीं है जिसे मैं जानता था। ये चोटी, फूल, साड़ी, मेकअप, ये डरी सहमी लड़की खुद को इन सब चीजों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही है। बस उस पुरानी लिली को बाहर निकालो, मैं तुम्हारे साथ हूं। 3 साल बाद तुम मुझसे ये कहने आए हो? इतना वक्त लग गया, इतने दिनों तक कहां थे तुम? वो लड़का जो बाहर बैठा है मेरे साथ अपना भविष्य देख रहा है। उसने कहा वो चाहता है मुझे। इन 3 सालों में जैसे तुमने मुझे भुला दिया, वैसे मैं भी तुम्हें भुला दूंगी। क्या बात है? 3 सालों में मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सका लिली। तुम जहां भी थी, जो भी कर रही थी, तुम हर पल मेरे साथ थी। ना जाने कहां कहां भटकता रहा, पर तुम्हारी यादों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सका। बहुत अकेला फील करता था। बेटा, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। खारदुंगला पास, 17,582 feet, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। जिसे भी देखता हमारी याद आती। मिड समर, इस गर्मी में अब तुम नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रही होगी। हम अब शायद कभी साथ ना खेल पाए, पर एक ना एक दिन जब तुम खेल रही होगे, तब स्टेडियम में दूर खड़ा मैं तुम्हें देख रहा होऊंगा। ओके, थैंक यू। लिली, लड़के वालों को फोन आया था, वो लोग शादी के लिए राजी हो गए हैं। कह रहे थे इसी महीने शादी का मुहूर्त निकलवा लो। इसने मेरी बहुत मदद की थी। निशान नहीं है, -6 degrees। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहता हूं। ये सब मेरी ही गलती है लिली। काश उस दिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा होता, काश तुम्हें कभी अपने से दूर ना किया होता, पर तुम्हें अपने सीने से लगा लिया होता।
बेटी लिली, ये ले जाके अंकल को दे दो। आज मैं एक छोटी सी परी से मिला, वो बहुत क्यूट है तुम्हारी ही तरह, वैसे ही शैतान, छोटी सी पोनीटेल जैसे कि तुम्हारी थी। वो पूरा दिन मेरे साथ खेलती रही और स्कूल भी नहीं गई, और पता है उसका नाम क्या है? लिली। तुम्हें खुद से दूर किए आज पूरे 2 साल हो गए। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, पर ये मेरी भूल थी। अरे अगर ऐसी बात थी तो उसे पहले बताना। वो किसी की सुनेगा तब ना? छुपाएगा तो उसको कैसे पता चलेगा? एक बार उससे बात करके तो देख ले। साउथ जोन की महिला क्रिकेटर के साथ हुआ दुर्व्यवहार। साउथ जोन चीफ सिलेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। सूत्रों के अनुसार जिस महिला क्रिकेटर ने चीफ सिलेक्टर पर आरोप लगाया है उसका नाम है लिली। चीफ सिलेक्टर रमेश राव का ये कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, वो महिला उन्हें इस झूठे आरोप में फंसा रही है। हमारे हाथ लगी है एक एक्सक्लूसिव वीडियो जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह लिली का बॉयफ्रेंड बॉबी अपने दोस्तों के साथ रमेश राव पर हमला कर रहा है। रमेश राव इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सर, आप पर एक महिला क्रिकेटर ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये सब टीम में जगह पाने के लिए चीप ट्रिक्स हैं। मुझे लगा था वो अच्छी खिलाड़ी है, बोर्ड ने भी उसे सपोर्ट किया, पर फिर शी लॉस्ट हर फोकस। उसके बाद वो किसी भी तरह से ऊपर आना चाहती थी। आई एम सॉरी, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। सर सुनिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में आज हैदराबाद वेलफेयर एसोसिएशन ने महिला क्रिकेटर के बचाव में प्रदर्शन किया। हमें ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए और इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। हम इस वक्त मिस लिली के घर के सामने खड़े हैं, पर उन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया तो है। क्या मिस लिली ने बॉबी से दूर रहने के लिए रमेश राव से नजदीकियां बढ़ाई? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मिस लिली ने रमेश राव को फंसाने के लिए बॉबी का सहारा लिया? जब भी लिली यहाँ अपनी नेट प्रैक्टिस के लिए आया करती थी तो मैंने देखा है कि हमेशा बॉबी उसके साथ ही रहता था। सर, वो हमारी कैप्टन रह चुकी है, शी इज द बेस्ट प्लेयर, पर उसने जो रमेश सर पे एलिगेशंस लगाए वो ठीक नहीं था। ये केस जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा। इस मामले में अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये लेरी का चक्कर क्या है? आपको तो सब कुछ पता ही है सर, चेयरमैन के इलेक्शन में ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज हो ही जाते हैं। ये तुम्हारा हर बार का नाटक है, बहुत हो गया। सर यू नो मी वेरी वेल, मैं ये सब कुछ सॉल्व कर दूंगा सर। मैं तुम्हारे ऊपर खमाची बिछा रहा हूँ। Just get ready for that. Sir, 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 sir. Hello, hello. BCCI ने मिस्टर रमेश राव और मिस लिली को नोटिस भेजा है। उन्हें जल्द से जल्द सुनवाई के लिए कमेटी के सामने पेश होना होगा। अगर वो कमेटी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इन हाउस कमेटी में पेश होना है तुम्हें। साइन कर। देखा ना कितना सिंपल है, फालतू का इतना ड्रामा। तेरी तो अपने आप को शारा समझता है, सड़ेगा जेल में। ना तू बचेगा ना तेरी 2% की गर्लफ्रेंड, दोनों जाएंगे 12 के भाव में। क्यों फालतू में जिद करता है? तेरे साथ तेरा दोस्त भी जाएगा। चले साइन कर, साइन कर। तुझे गलत फहमी है कि तू मुझे डरा लेगा, मुझसे ज्यादा तो तू डरा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। ये डर रहा हूं। ए उठा रहे इसको। ए उठ बेटा कुर्सी पे। नेता साइन कर, घूर क्या रहे।
आप यही सोच रहे हैं ना कि एसीपी हमारे घर चाय पीने के लिए क्यों आए? दरअसल आपको कुछ जरूरी बात बतानी थी। आपको पता है बाहर आपकी बेटी के बारे में लोग क्या कह रहे हैं? कि आपकी बेटी बदचलन है। मुझे सुन के अच्छा नहीं लगा। ये जो रमेश राव है ना, बहुत ही पहुंचा हुआ है। उसने कहा कि सारी गलती इसकी है। अब आप इससे पूछिए कि इन दोनों के बीच में हुआ क्या। अच्छा, मैंने सुना है कि आपने एक बेटा खो दिया है। अब पूरी फैमिली को शहीद करना है क्या? पंगा लिया है तो भारी तो पड़ेगा ही। वो जो तेरा बॉयफ्रेंड है ना, जानती हो इस वक्त कहाँ है? हमारे कब्जे में। बहुत फड़फड़ा रहा था, उसके सारे पंख कतर दिए। वो गुंडागर्दी का केस और भी कई केस, सबको बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। क्या करें, करना पड़ता है। अगर तू चाहती है कि वो जेल में ना सड़े तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि कल जाकर अपना स्टेटमेंट बदल देना। समझ गई? आज दिल्ली में बीसीसीआई की मीटिंग होने वाली है। बीसीसीआई ये जानना चाहती है कि रमेश राव पर लगाए गए इल्जाम सही हैं या गलत। साउथ जोन क्रिकेटर मिस लिली के केस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है और लोग इस बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। अब रमेश राव के बयान के बाद ही बोर्ड के मेंबर्स आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय कर पाएंगे। अब से कुछ ही देर में बीसीसीआई कमेटी की मीटिंग शुरू होने वाली है। मिस लिली और रमेश राव वहां पहुंच चुके हैं। मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि मिस्टर रमेश राव दोषी है या नहीं। तब तक आगे की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये कमेटी बीसीसीआई की तरफ से डायरेक्टली अपॉइंट की गई है। इस कमेटी का मकसद है साउथ जोन के चेयरमैन मिस्टर रमेश राव पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करना। मैं भी बहुत दुखी और परेशान हूं क्योंकि मेरे ऊपर ये झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस केस को जल्दी निपटाया जाए। ये मेरे करियर का और सोसाइटी की नई जनरेशन का भी सवाल है। बल्कि मेरा तो ऐसा मानना है कि वी शुड प्ले इन ए हेल्दी एटमॉस्फेयर। मिस लिली, नवंबर 2017 में आपने अचानक प्रैक्टिस पर आना छोड़ दिया, इसका कारण बता सकती हैं? लिली, उन्हें बताओ क्या हुआ था। बताओ बेटी। इसका एक्सीडेंट हुआ था, इन्हें बताओ लिली। एक कमीने, तू अपना मुंह बंद रख। अरे सर, क्या इसके पीछे अपना मगज खराब कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, ये जेल का कीड़ा है, इसे जेल में रहने दीजिए। यहां नहीं खेल रहे हैं हम। अभी तो इसका पैर ठीक है, अभी क्यों नहीं खेल रहे हैं? बता। साइलेंट। हां सब क्या हो रहा है? मिस लिली को बोलने दीजिए। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सब साफ हो गया। इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, क्लियर। लिली, तुम्हारे आज के डिसीजन पे ही तुम्हारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सर, ही इज फोर्सिंग हर। मिस लिली, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बी क्वाइट। तो मिस लिली, आपने 17 मार्च को मिस्टर रमेश राव के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, क्या यह सही है? सर, दिस इज कंप्लीटली बेसलेस सर। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और अगर ये सच है तो इसने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की, आज क्यों कर रही है सर? लिली, यहां तक आके डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। स्टॉप इट। मैं ये कमीना फिर से। ये क्या हो रहा है सर? ये आप सबके सामने इसे कंप्लेन करने के लिए फोर्स कैसे कर सकता है? सर, इस लड़की का दिमागी संतुलन खो चुका है, डॉक्टर्स का भी यही कहना है। सर, इसे इलाज की जरूरत है। क्या कर रहा है? देखिए, अगर यहाँ तो बच भी गया ना तो बाहर नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुना आप लोगों ने? We can't tolerate this kind of behavior in this room. He is just hitting me. Come on, in the committee itself. वो बंद कर। कमीना सर, इससे साबित होता है कि ये खतरनाक अपराधी है, ये किसी की भी जान ले सकता है। मिस्टर बॉबी, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम केस को डिसमिस करके मिस्टर राव को क्लीन चिट दे देंगे। ओके बेटा। ऐसे कैसे केस डिसमिस कर देंगे सर? प्लीज बी क्वाइट, बी क्वाइट। कमीना इसने हैरेस किया, ये रेपिस्ट है सर। रेपिस्ट? सर, ये मुझे यहाँ सबके सामने रेपिस कह रहा है सर। सर, आखिर यहाँ ये हो क्या रहा है? ए, अपने गटर जैसा मुंह बंद कर चुपचाप बैठ जा। सर, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। उनमें से कितनी लड़कियों ने क्रिकेट छोड़ दिया सर, पर आज तक डर के मारे किसी ने इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाई है। सर, एक मिनट सर, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है और मैं बस चुपचाप। गिव अस अ मोमेंट प्लीज। मिस लिली, आप खुद बताइए, मिस्टर रमेश राव ने आपको हैरेस किया था या नहीं? Say yes or no. No.
अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो आपने कंप्लेन क्यों की? अगर ये बात है तो हमें बॉबी के खिलाफ केस फाइल करना होगा, ये आप जानती हैं? सर, क्या आपकी डॉटर मेंटली स्टेबल है? क्या उन्हें पता है कि वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं जानता ये लड़की कौन है। आखिर ये कहना क्या चाहता है? पता नहीं, और मैं जिसके लिए लड़ रहा था वो ये लड़की नहीं है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपने कंप्लेंट क्यों दर्ज की थी? मैं इसे नहीं जानता सर। रमेश राव मेरे बीच में एक ज्यादती दुश्मनी है। एक बार किसी वजह से मेरा और उसका झगड़ा हो गया था। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में मैंने उस पर हाथ उठा दिया, पर मेरा गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। मैं उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी रेपुटेशन खराब करने के लिए मैंने उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस डाल दिया सर। वैसे लड़ाई झगड़ा करना मेरी आदत है सर। मैंने हर बार खुद को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदल सका, इसलिए मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं कभी खुद को बदल नहीं पाऊंगा। इन सब में लिली को क्यों इन्वॉल्व किया? ये मेरे पड़ोसी की दूर की रिश्तेदार है सर। 3 साल पहले मैंने किसी शादी में इसे देखा था। किसी ने बताया ये क्रिकेट खेलती है, इसलिए रमेश राव को फंसाने के लिए मैंने इसका नाम ले लिया। मैं नहीं जानता था कि ये इतना बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है सर। सारी गलती मेरी है। बहुत हुआ सर। सर, मैं और मेरी पूरी फैमिली इस कंप्लेन बाजी के चक्कर में बहुत परेशान हुए हैं। अब छोड़ दीजिए मुझे। नो मोर डिस्कशन प्लीज। वी आर वेरी सॉरी। हम समझ रहे हैं आप पर क्या बीत रही है। प्लीज टेक योर सीट। मिस्टर बॉबी, आपकी वजह से एक लड़की का करियर और एक जेंटलमैन की रेपुटेशन खराब हुई है। आपकी हरकतें समाज के लिए खतरा है, ये माफी लायक नहीं है। मिस्टर श्रीकांत, प्लीज टेक हिम इन टू द कस्टडी। सर, मैंने तो पहले ही कहा था कि समाज में ऐसे दरिंदों की कोई जगह नहीं है। यादव, ले जाके फेंक दे इसे जेल में। बॉबी, 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 प्लीज, बॉबी, बॉबी। अब से हमारे रास्ते अलग हैं। बॉबी, बॉबी, जो अब कभी नहीं मिल सकते। बॉबी, बॉबी, प्लीज, बॉबी, मुझे छोड़ के मत जा, प्लीज, बॉबी, बॉबी, प्लीज। It's okay, बेटा, it's okay. मुझे छोड़ दो। मिस्टर रमेश राव, प्लीज बैठ जाइए। हम कमेटी की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। नो 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 नो, प्लीज सर, आप मुझसे माफी मत मांगिए। आई नीड एन अपॉलॉजी फ्रॉम हर सर। मैं बताता हूं सर, इस तरह की लड़कियां जिनके पास ना तो टैलेंट है ना ही फोकस है, वो सब इसी तरह से स्पोर्ट्स में ऊपर आना चाहती हैं सर। इन लोगों की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो भी कहीं। क्या बोला तू? क्या बोला मुझे? क्या कर रही है? इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्रिकेट मेरी जिंदगी थी सर, मेरा सपना था। इस कमीने ने उस सपने को कुचल दिया, चकनाचूर कर दिया सर। कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती। ये वॉशरूम में हमारे पीछे आता था और हमारे साथ बहुत गंदी हरकतें करता था। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। साउथ जोन क्रिकेट प्लेयर मिस लिली के साथ सेलेक्टर रमेश राव के गलत व्यवहार के लिए बोर्ड मिस लिली से माफी मांगता है।
मिस लिली जैसी होनहार खिलाड़ी को बोर्ड एक एसेट मानता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो नेशनल टीम सिलेक्शन की तैयारी करे। बोर्ड मिस लिली के फ्रेंड बॉबी को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने इस मामले को बोर्ड के सामने रखा। बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि सेलेक्टर रमेश राव को इस पद से डिसमिस किया जाता है और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा जाता है। कोर्ट तक खींचूंगा मैं, मेरी पहुंच बहुत दूर तक है। मिस लिली एक सवाल, इतने दिनों तक आपने इस बात को छुपा कर क्यों रखा? डर, हर लड़की को ये डर होता है कि अगर वो कंप्लेन करेगी तो क्या होगा। हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है। उस समय हमें कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही किसी ने हम पर ध्यान दिया, इसलिए हम डर गए। पर हम जैसों के डर को हिम्मत में बदलने के लिए एक खास इंसान की जरूरत होती है जो निडर हो। आसान भाषा में कहूं तो हर लड़की के जीवन में होना चाहिए एक कॉमरेड। कॉमरेड कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, माँ बाप हो सकते हैं। मेरे जीवन में भी एक कॉमरेड है। मैंने सिर्फ एक बार उसे कॉमरेड कहा और उसने हमेशा मेरा साथ दिया। हर पल वो मेरे साथ रहा, खुद टूटकर भी उसने मुझे सहारा दिया। अंत में उसने मुझे लड़ना सिखा ही दिया। आज की ये जीत उसी की है। मिस लिली, इस वक्त आपका कॉमरेड कहाँ है? आप दोबारा क्रिकेट खेलना कब शुरू करेंगी? मिस लिली, मिस लिली, आप लोग उसे अकेला छोड़ दीजिए। मिस लिली, मैं इसे नहीं जानता, हम तो बस एक दो बार मिले हैं। क्या कह रहे थे तुम? पड़ोसी की रिश्तेदार है। रमेश राव को अरेस्ट कर लिया गया, मैंने उसे मारा, नोच डाला साले को। सबने मुझे रोकने की कोशिश की बॉबी, लेकिन मैंने मारा। उसके चेहरे से तो हवाइयां उड़ गई थी, पर मैंने सबको सच बता ही दिया। मैंने सब कुछ बता दिया, तुम होते वहां ना तो तुम देखते मैंने क्या किया। मैं वही था, मैंने देखा अपनी लिली को। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल मत छूना। क्या कह रहे थे? हमारे रास्ते अलग हैं, जो दोबारा कभी नहीं मिल सकते। टेक इट बैक, इसे वापस लो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं बोल रही हूं, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो वापस ले ली, वापस ले ली। ओके, ये कहानी सिर्फ लिली की नहीं है, उन सारी लड़कियों की है जो ऐसे हालात से गुजरी हैं। उन्होंने कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना किया है। उनमें से कुछ तो उनका मुकाबला कर पाती हैं, पर कुछ उनमें से बिना लड़े डर की वजह से हार मान लेती हैं और इसकी वजह से उनकी जिंदगी तक बर्बाद हो जाती है। बड़े दुख की बात है, हमेशा ये बात याद रखें, ये हमारे बच्चों की गलती नहीं है, लड़कियों की भी गलती नहीं है। उन्हें इस बात से अकेले में डरा कर चुप मत कराइए। सफलता पाने के लिए मन से डर का निकलना बेहद जरूरी है। आपको अपनों के लिए उनका कॉमरेड बनना होगा। सबका ख्याल रखे, टीम डियर कॉमरेड।